बुलंदशहर के थाना गोता थाना में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आम लोगों की हिफाजत के लिए बनी पुलिस और पुलिस थाने से ही एक चोरी की वारदात सामने आई है। अगोता थाने से 29 साल पहले हत्या के मामले में दर्ज मुकदमे की केस डायरी, चार्जशीट और पत्रावली गायब होने की घटना से बुलंदशहर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए। दरअसल 1991 में थाना अगोता क्षेत्र में एक हत्या के मामले में चार आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। सन 1991 में थाना अगोता क्षेत्र के जमालपुर गाँव के रहने वाले धर्मवीर सिंह की हत्या गोली मार कर कर दी गई थी, जिसका मुकदमा मृतक के परिजनों द्वारा चार आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराया गया। इस मुकदमे की पैरवी मृतक का दोस्त चौधरी गजेंद्र सिंह कर रहा है। अगोता थाना पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने अभी तक कोई चार्जशीट पेश नहीं की थी, जिसकी वजह से अदालत में मुकदमा भी नहीं चल पाया। वहीं अभी कुछ दिन पहले हत्या के मुख्य आरोपी श्याम सिंह की भी मौत हो गई। अगोता थाना पुलिस ने मुकदमे से संबंधित चार्जशीट के गायब होने पर थाना अगोता में ही मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीजीएम कोर्ट में थाना अभिलेख और क्षेत्र अधिकारी पत्रावली को खोजा गया, लेकिन सिर्फ FIR की फोटोकॉपी ही मिली। बुलंदशहर से आनंद सिंह, संवाददाता की रिपोर्ट। ये अगोता थाने में जो मुकदमा लिखा गया है सर, इसको इसमें क्या मामला है? ये दरअसल अगोता थाने में 1991 में एक हत्या का मुकदमा कायम हुआ था, उसकी विवेचना हुई थी और उसमें चार्जशीट लगाना बताया गया था, लेकिन जब थाना अभिलेख और क्षेत्राधिकारी संबंधित कार्यालय के अभिलेखों का परिसीलन किया गया, CGM साहब के यहाँ परिसीलन किया गया, तो वो अभिलेख प्राप्त नहीं हो रहे हैं, केवल FIR की फोटो कापी प्राप्त हुई है। उस संबंध में SI लोकवेंद्र दत्त शर्मा के द्वारा 409, 406 और 120 IPC के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया।